साथ जो जुड़े वो भी हमेशा खुश रहे। कुछ अनाउंसमेंट भी है, सरप्राइज रखी है, आपने क्या कहना चाहिए? अनाउंसमेंट ये है कि माला हरवानी सीईओ ऑफ राजा रानी तो थी ही थी, आज से हम माए राजा माए रानी ऑल हिंदू कम्युनिटीज हाई प्रोफाइल अल्ट्रा प्रीमियम मैरिज ब्यूरो की स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साउथ बॉम्बे से इलाइट सर्विसेज, ये हमारी आज की अनाउंसमेंट है। ब्यूरो तो बहुत है मैरिज ब्यूरो, लेकिन इसमें क्या है राजा रानी के पास? देखो मैं तो कहूँगी हर गली हर नुक्कड़ में मैरिज ब्यूरो है, लेकिन जो हमारी सर्विस है आजकल के जो बच्चे हैं खाना तक पेरेंट्स की मर्जी से खाते नहीं, शादी कब करेंगे भाई मेरे, तो इनको जोड़ने के लिए बोलते ना जोड़ियाँ तो हेवन से बन के आती है ऊपर वाला बनाता है, लेकिन उनके लिए कोई मजबूत जड़िया भी तो चाहिए। हमारा पूरा प्रोफेशनल टच है एंड पर्सनल सर्विसेज भी देते हैं हम, आजकल के बच्चों की जो डिमांड्स है उसके हिसाब से कस्टमाइज सर्विसेज देते हैं, जो उनकी पर्सनल हैबिट्स है जो उनके रूटीन्स है और जो उनकी डिमांड्स है। पहले शादियां होती थी दो पेरेंट्स में दो फैमिली में, आजकल की शादियां होती है वन टू वन इंडिविजुअल एज पर देयर डिमांड्स एज पर देयर चॉइस एज पर देयर सर्कमस्टेंसेस। इसमें जैसे आप सिंधी है तो सिंधी कम्युनिटी रहेगी या कोई भी? नहीं हम ऑल हिंदू कम्युनिटीज, सिंधी तो है ही हूँ, मैं खुद सिंधी हूँ, खुद मैं सोशल वर्कर हूँ, सिंधी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब हम लेके आ रहे हैं ऑल हिंदू कम्युनिटीज। बात करें इसमें अपना प्रोफाइल की बात करें, कितने टाइम से आप कर रहे हैं? पहले मैं सोशल से करती थी फिर मैंने प्रोफेशनल कर दिया, क्योंकि फ्री में भी हम कितना करेंगे, फ्री में सर्विसेज का जो मजा है वो फ्री का ही आता है, बोलते हैं ऑलवेज पे एंड स्माइल एंड हैव अ बेटर सर्विसेज, सो दिस इज आवर मोटो, सामने वाला भी खुश हम भी खुश फैमिली भी खुश। आपके साथ में राजू भाई जुड़े हैं, राजू बलवानी जी का क्या कहूँ मैं, उन्होंने हमें दिलों और जहाँ से सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट दिया है। हम एक सपना लेके आए थे राजा रानी का, उन्होंने माए राजा माए रानी कन्वर्ट करने में पूरी मुझे 100% सपोर्ट दिया है। मैं उनको 25 साल से जानती हूँ, पूरा उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। ये जो आज प्रोग्राम हमने रखा है इसका जो पूरा बोले ना कि किसको जाना चाहिए, तो 100% पहले राजू जी को जाएगा फिर माला जी को जाएगा। इसके साथ में राजू जी का कहना है कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड करने वाले हैं, कुछ ऐसा प्लान है आपका? आगे जाके हम बिजनेस अवार्ड करने वाले हैं, कुछ कम्युनिटीज अवार्ड्स करने वाले हैं, कुछ वुमेन्स को अवार्ड कुछ करने वाले हैं आने वाले 2024 में। गेस्ट ऑफ ऑनर्स की बात करें कौन कौन आने वाले हैं? गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे डिग्निटीज है, हमारे सर हमारे दादा लदाराम नागवानी सर, उनके बाद में हमारे अपना मैं सुखराम मानी जी है जो भारतीय सिंधी साहित्य अकेडमी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, फिर कुमार एलियानी जी है, डॉक्टर राम जवानी जी है, डॉक्टर भारती छाबरिया तो ऑलरेडी है ही है, और बाबलानी जी आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं जो हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। डिग्निटी जो बाद में पहले वो हमारे अपने लोग हैं, सपोर्टर है। मुंबई में सर दिवाली की पहली पार्टी है, शुरुआत आपने कर डाली आज? तो मुझे पता नहीं था, आपने बताया तो चलो सुन के मजा आ गया। कौन क्या क्या इवेंट्स होने वाले आपसे जानना चाहेंगे? बस थोड़ा सरप्राइज रहने दो ना, मजा आता है सरप्राइज देने में। आगे क्या क्या प्लान है? काफी कुछ है, बेहतरीन है, हम क्रेजी क्लब स्टार्ट कर रहे हैं, 40+ फैमिली का ग्रुप है एक जो हम क्रेजी क्लब ज्वाइन करने वाले हैं। आज जो भी यहाँ पे आए हुए अपने सब नंबर देते जाएंगे, हम उनको इन्विटेशन भेजेंगे। राजू भाई के बारे में मैंने बताया ना क्या कहे, वो एक हीरा है, वो हीरे की फर्क उनको खुद को नहीं है, बट हम जौहरी है हमें पता है कि वो है क्या। और इसके अलावा आज जो है नया अनाउंसमेंट, बस आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा सरप्राइज रहने दो लोगों को। फैमिली को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं बड़े अपने बोले ना स्वभाव के हैं, उनको जीना अपनी मर्जी का है, तो पेरेंट्स को चाहूँगी कि जो भी बच्चे को डिसीशंस हैं उनको शादी करने में उनको सपोर्ट करें, क्योंकि 30-30 साल के बच्चे 40-40 साल के बच्चे अनमैरिड बैठे हुए हैं, बचपन के भी हो गए सलमान जैसे, बचपन के भी हो गए सलमान खान के जैसे, पर लेकिन क्या होता है वो सलमान खान तो एक इक्का दुक्का रहने दो तो बेटर है, पर लेकिन काफ़ी लोग जो हमारे बोलते हैं अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है
उनमें बच्चे बैठे, आज पेरेंट्स को भी इतनी सारी चिंता है कि कब उनकी शादियां हो तो हम भी गंगा स्नान करते जैसे पहले जमाने में बोलते थे। तो मैं चाहूंगी कि बच्चों को सपोर्ट करें उनके डिसीजन से शादी के मैटर में, और शादी के डिसीजन में मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी कि पेरेंट्स को अपना पार्टनर समझे डिसीजन लेने में, और एक टीम डिसीजन लेके जल्दी से जल्दी शादी करे, नहीं तो वक्त निकलता जाएगा, वक्त थमता नहीं है किसी के लिए। थोड़ा सा देखो, शादी इज बंडल ऑफ एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, जो भी बंदा करता है तैयार होता है वो शादी जल्दी कर लेता है। माला जी, आप बॉलीवुड में मुंबई में है, आप तो पहले कभी बॉलीवुड का टच भी रहे गए, बॉलीवुड की मैरिज करवाती हैं आप? बॉलीवुड प्रोफाइल्स आते हैं हमारे पास, प्रोफाइल्स हाई प्रोफाइल्स में हमारे पास आते हैं, हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इन लाइफ सर्विस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। कितना सीक्रेट रहता है ये चीज़ें? कितना नहीं, सीक्रेट ही रहने दो। नहीं, कितनी प्राइवेसी रहती है इसमें अगर कोई बात करता है आपसे? देखो, जब है ही प्राइवेसी तो क्या डिक्लेयर करो हर किसी की। देखो, शादी इज द प्राइवेट, एक्चुअली शादी इज द प्राइवेट, यू कैन से हर किसी का प्राइवेट डिसीशंस होता है। फैमिली के सामने एक होते हैं, एक्चुअल शादी करने जाते हैं तो बंदा एक अलग ही होता है। तो इनको प्राइवेसी में ही रहने दो, कॉलम में तो ही बेटर है। बस मैं यही एंड में कहूँगी कि दिवालियाँ हैं, खुशियाँ लेके आ रही है। मैं चाहूँगी कि हर एक घर में, हर एक फैमिली में दिवाली खुशियाँ लेके आए। जिनके भी परिवार में बच्चे अनमैरिड है, उनके घर परिवार में हर किसी को अपना एक साथी मिले, एक कंपेनियन मिले, ऊपर वाला हर किसी को अपना एक साथी दे, क्योंकि हर एक साथी की हर किसी को एक ज़रूरत है और हक बनता है। इनका एक ड्रीम था, तो इसको ड्रीम को मुझे फुलफिल करने का था, तो वही मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ, इनकी मेहनत, इनकी लगन है, बाकी शी विल डू हर थिंग, माय सपोर्ट इज देयर। क्या क्या होने वाला है आप घर में? होने वाला बहुत कुछ है, देखे आगे आगे होती है क्या। आप भी सब बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं? ओ यस, मैंने कई टीवी सीरियल में काम किया है, यूट्यूब पे मेरे आते रहते हैं। आज के मेहमानों में कौन कौन है अगर बात करें? जितने भी सब मेरे मेहमान ही मेहमान है। थैंक यू सर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट माला जी। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टार्ट करूं? जी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भारती छाबरिया, आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर एंड आज की प्रोग्राम की मैं आपकी होस्ट हूँ। आज हम यहाँ पर 20 डाउनटाउन में दिवाली सेलिब्रेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स आज यहाँ पर आने वाले हैं और हमारे साथ है इंटरटेनमेंट का धमाका, बहुत सुपर्ब सिंगर्स हैं, गुड डांसर्स हैं, लॉट्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, एंड उसके बीच एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमारे बहुत सारे सिंधी समाज और सब कम्युनिटी के डिग्निटरीज आज मौजूद होने वाले हैं, उनके बीच में हम एक सरप्राइज करेंगे जो कि माय राजा माय रानी का आज ऑफिशियली लॉन्च पार्टी है। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आप सभी के साथ मिलकर लॉन्च पार्टी भी करेंगे और दिवाली का सेलिब्रेशन भी करेंगे। क्या है राजा रानी की बात करें आपसे? राजा रानी, देखिए जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और सबकी ही जोड़ियां बनाता है, लेकिन जोड़ियां बनाने के कुछ जरिए होते हैं, वो कुछ जरिए को हम लोग कहते हैं मैरिज ब्यूरो कह लीजिए, मीडिएटर्स कह लीजिए, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर सेल्फलेसली काम करती हैं। तो राजा रानी एक ऐसी आपको एक हाई प्रोफाइल के मैरिज ब्यूरो आपको इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें कि क्यों हाई प्रोफाइल में ये मेंशन करना चाहूँगी, देखो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनको लड़का ढूंढने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, नौकरी पेशा को नौकरी पेशा लड़की काम करते करते मिल जाती हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल्स होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं काफ़ी लंदन में पढ़े हुए हैं या दुबई पढ़ने गए हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं ना वो अपने बच्चों के लिए आज परेशान हैं। इतना अच्छा मैच, पैसे का मैच, पढ़ाई का मैच उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो माय राजा माय रानी यहाँ पर जो भी अपर मिडिल क्लास और हाई प्रोफाइल के जिनके बच्चे हैं उनके लिए ये एक कंसल्टेशन का काम करती है, उनके साथ 1-to-1 मिलके उनकी रिक्वायरमेंट से के लिए बात करती है कि आपको लड़का है तो उसके लिए कौन सी किस टाइप की लड़की की आपको ज़रूरत है और आपका क्या है, मतलब क्या प्रोफाइल है, उसके हिसाब से वो मैच करने की कोशिश करती है। चार्ज की बात करें, क्या कितना चार्जेबल है वो
इतना कॉस्टली है ये या नॉर्मल है? देखिए कुछ ऐसा चार्जेबल के बारे में तो मैं इसके लिए बता नहीं पाऊंगी, वो तो कंपनी की जो सीईओ है माला जी, आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए और वो आपको बताएंगी कि इसको जुड़ने के लिए या इसका रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस क्या है, जो कि अभी ऑफिशियली हमने अनाउंस नहीं किए हैं। बहुत जल्दी आपको चार्जेस, आप कॉल करेंगे माला जी को तो माला जी की टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपको चार्जेस भी बता देगी। थैंक यू। विजन है, ये पार्टी है, ये मिशन है माई राजा माई रानी। मैं माला हरवानी जी को, राजू बलवानी जी को, डॉक्टर झबड़े जी को, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ दिवाली की और इस मिशन की। इन दो शेरों के साथ के दर पे आया हूँ तुम्हारे में सवाली बनकर, दीप बनकर तो कभी पूजा की थाली बनकर, ईद के दिन में तुम्हें मिलने चला आऊँगा, तुम भी आ जाओ मेरे घर में दिवाली बनकर। तो ये मोहब्बत का ये जश्न चरागा, ये मोहब्बत के दीप हमें जलाने हैं और ये मोहब्बत के दीप ही जलाने निकले हैं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम शुरू होगा। कितना इम्पोर्टेंट है सर जो इन्होंने किया, स्टार्ट किया है, उसके बारे में बात करें। देखिए ये इस दौर में बहुत बड़ा काम है। काम इसलिए बहुत बड़ा है कि दुनिया नफरत फैला रही है, दिल से दिल को मिलाने वाले बहुत कम हैं। ऐसे वक्त में जो ये काम शुरू हुआ है ये बहुत बड़ा काम है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी मुबारकबाद दी जाए, जितना कांग्रेस किया जाए उतना है, क्योंकि पूरी दुनिया को जोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और ख़ासकर ये चीज़ें, जैसे मैं सुन रहा था उनको कि शादी बहुत जल्दी होना चाहिए, सही वक्त पे होना चाहिए, क्योंकि इंसान की उम्र कितनी है, जो ये फ्यूचर का प्लान लेके हम बैठे हैं, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये हमें हटाया जाता है अपने मिशन से और ये लोग बहुत 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 सम्मान के काबिल हैं जो लोग एक दूसरे को मिलाने का काम कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका परिचय विपिन जी है, विपिन जी परिचय। मैं सूरत से हूँ, मेरा नाम विपिन भंडारी है और इन सभी टीमों को, भारती जी और राजू भाई और अपने माला जी को बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से। और बहुत तो अच्छा काम कर रहे हैं माला जी और इस भारती जी। बाला सुब्रमण्यम, आई एम अ फ्रेंड ऑफ भारती जी and she invited me to sing here, so thanks for the opportunity and advance Diwali wishes to all of you and a great service being done by Mala ji and Raj ji. So I wish them all the best for their endeavor. Aap kya kehna chahenge aap Raj ji ke bare mein? I am Dr. Mitali Patel, Surat se, aur ye sab mahol leke humko bahut acha lag raha hai aur ye jo Raja Rani concept hai hume bahut acha laga aur Raju bhai ne humko invite kiya, bahut acha lag raha hai. सबसे पहले तो मैं सभी को आने वाले दिवाली के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और जय झूलेलाल। दिवाली बेस के इस प्रोग्राम में राजा रानी की सीईओ माया राजा माया रानी की आज यहां पर लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के सभी हमारे जो समाज के लोग हैं उनको जोड़कर इकट्ठा कर यहाँ पर साथ में इन्होंने जो यह कार्य शुरू किया है उनको मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माला जी ने पहले से ही समाज के हित में बहुत से कार्य किए हैं। भारतीय सिंधु सभा की थाना की हमारी महिला की अध्यक्ष भी है वो, तो सामाजिक तौर पर भी वो समाज से जुड़ी हुई हैं। तो उनके साथ में जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है जो परिवारों को जोड़ने का, ये बहुत ही अच्छा कार्य है उनका। और एक मन में एक जो रिश्ते में एक सच्चाई जो उनके मन में रहती है कि फेयर सभी से बात कर कर और आगे जीवन भर के लिए उनको कैसे जोड़कर रखना, तो ये मैंने इनसे बातचीत करके जब इनकी जो विजन है वो जो अभी सुना मैंने, तो मुझे लगा कि ये बहुत इनका अच्छा तरीका है और ये इनका कार्य है जो इनको आगे ले जाएगा। मैं इनको अपनी भारतीय सिंधु सभा की ओर से, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की ओर से और सुख्रामणि परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। समाज के भलाई के लिए दिन रात काम कर रही है और पहले उनका एक सीमित सिंधी समाज तक दायरा था, लेकिन अभी वो एक लार्ज पैमाने पर समस्त
समाज के लिए काम स्टार्ट कर रही है, तो हमारी तरफ से उनको एक शुभकामना है। और ये एक जोड़ने की कड़ी है, काम जो इनका ये काम है, माय राजा माय रानी, ये एक जोड़ने का काम है और इस जोड़ने के काम में वे सफल रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। परिचय मुझे देना है जी। मैं डॉक्टर राम जवाहरा जी, ग्लोबल सिंधी काउंसिल और सहयोग फाउंडेशन का चेयरमैन, पिछले 40 साल से समाज के इस क्षेत्र में मैं जो भी मेरे से बन पाया वो योगदान दे रहा हूँ, इतना ही मेरा परिचय है। सर आज जो राजा रानी है, हाँ जी, माला के बारे में बात करें। हाँ, मैं सबसे पहले, मेरा परिचय तो ठीक है आपने जो भी, मगर मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा माय रानी माय राजा माय रानी की टीम को, उसके सीईओ माला हरवानी जी। आज के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने ये जो जोड़ा है माय राजा माय रानी, क्योंकि ये आजकल के इस दौर में हम ख्याली, हम उमर और इस टाइप के बच्चे मिलते नहीं हैं, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये शायद हम आप उस दौर में पहुंच चुके हैं जो महाभारत और रामायण का दौर था, उस वक्त भी पसंद करके ही शादियां काफ़ी होती थी। रामायण में हमने देखा कि स्वयंवर होता था, महाभारत में भी हमने वही चीज़ें देखी, तो लग रहा है कि अभी हमें अपने बच्चों की जो वेव लेंथ है, जो उनके ख्यालात है, वो अगर मिलके दोनों पसंद करते एक दूसरे को, तो मैं समझता हूँ वो शादियाँ बहुत कामयाब होती है। और उसके लिए अगर ये माय राजा माय रानी जो काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज 10 में से 6-7 ऐसी शादियाँ है जो टूटने के कंधार पे आके पहुँचती है, और उनके लिए फिर मीडिएटर्स की ज़रूरत है, बच्चों को समझाया जाता है। तो मेरे हिसाब से वही है कि आज नया युग है, दोनों बच्चे एक दूसरे से मिले, समझे, और समझने के बाद वो अगर अपने आप में जुड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ शादियाँ काफ़ी समय तक चलती है और चलती रहेगी। बस एक बार फिर से माय राजा माय रानी के सीईओ माला हरवानी जी को मुबारकबाद है। उसके अलावा, क्योंकि दिवाली बहुत नज़दीक है, तो सभी हमारे भाइयों को दिवाली, हमारी बहनों को दिवाली मुबारक। और ये एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि इसमें न सिर्फ सिंधी कम्युनिटी पर, सिंधी पंजाबी और भी कम्युनिटी के काफ़ी लोग इसमें अपना नाम लिखा रहे हैं, और काफ़ी हद तक, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इनके किए हुए काम काफ़ी हद तक सक्सेस गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी वेवलेंथ, आपकी नेचर, आपके ख्याल मिलने चाहिए। बिजनेस की बात करें, सबसे ज्यादा बिजनेस जो है सिंधी है, उसमें कुछ मार्केट के लिए रखा जाएगा उनके कम्युनिटी के लिए, कुछ नए आगे अवार्ड शोज वगैरह उसके लिए कुछ करेंगे आप? क्या रखा जाएगा? अवार्ड शोज वगैरह, या बिजनेस के लिए बेस्ट बिजनेसमैन? मुझे, मैं, आपने अवार्ड्स का ऐसा चीज मेरे से पूछा जो पिछले 40 साल से मैं सहयोग फाउंडेशन के अवार्ड्स करते आ रहा हूँ। और सिर्फ एक अवार्ड नहीं, 18 अवार्ड होते हैं, जिसमें हर फील्ड के लोगों को चुना जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स है, मेडिकल है, सोशल है, म्यूजिक है, डांसिंग है, इस टाइप के अवार्ड्स हम लोग करते रहते हैं। ये अवार्ड्स की परंपरा हमने शुरू नहीं की, ये भी महाभारत और रामायण से शुरू हुई है। जब कोई अच्छा काम करता है, घर में आपका बच्चा अच्छा काम करता है, उनको शाबाशी देते हो, उनकी पीठ थपते हो, तो ये अवार्ड्स भी एक ऐसी है चीज़ के, हम जो भी समाज के अंदर, जो भी आदमी या औरत जो भी अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं, समाज का उनको ख्याल है, उनको कदर देना हमारा फ़र्ज बनता है। तो ये अवार्ड्स होना चाहिए, सिर्फ बिजनेसमैन का अवार्ड नहीं, काफ़ी अलग फील्ड भी है जिसमें सिर्फ बिजनेसमैन, तो ठीक है आप की निगाह उनके ऊपर है, मगर मेरी निगाह साहित्य और अदब और कलाकारों के ऊपर भी है, क्योंकि कलाकार हमारे समाज को एक नया मोड़ देते हैं, अदीब जो राइटर्स है वो भी एक नया मोड़ देते हैं,
बिजनेस ज़रूरी है, बिजनेस भी होनी चाहिए, मगर सवाल ये है कि सभी वर्ग के लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए, ये मेरे ख्याल है जी। ओवर। आज का ये जो प्रोग्राम है, दीवाली बहस भी है और राजा रानी जो एक शादी का एक उसके बारे में भी एक शुरुआत की गई है मैम द्वारा, माला मैम द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए? नमस्ते, शुभ दीपावली। राजा रानी मेट्रोपोलियन की तरफ से आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सिर्फ सिंधी समाज में नहीं तो सभी समाजों में एक बहुत बड़ी समस्या, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शादी ब्याह की इतनी दिक्कतें आती हैं, कहाँ करें, कैसे करें, उनकी डिटेल्स क्या है, वर्षों बीत जाते हैं। उसको कम करने के लिए मैं बाला हवाली जी को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस माध्यम को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और न सिर्फ भारत के अभी तो विश्व के सारे हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। मैं तो फिर से धन्यवाद दूंगा उनको, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वसुधैव कुटुंबकम, राजा रानी मेट्रोपोलियन एक बहुत बड़ा प्रयास विश्व के हिंदुओं को इकट्ठा करना, विश्व के परिवारों को इकट्ठा करना, और वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना है बहुत बड़ा प्रयास माला जी करने वाली है। मेरे ख्याल से उनका बारंबार अभिनंदन करना चाहिए, और यह जो सिलसिला शुरू हुआ है सिर्फ शादी तक मर्यादित नहीं होगा, जो शादी के पहले, शादी के समय, शादी के बाद जो दिक्कतें आती हैं उसको भी सॉल्व करने में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।